नायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे साथ में? वो सब दिखाई देंगे, दो दिन रुक जाओ। कब दिखाई देंगे सर? अब भी दिखाई दें, अभी भी जो है बांगड़ा रोड, दो ही दिन दिखाई दिए, दो दिन वो रोज देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय बारदाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई सांसद रमेश कौशिक जी मौजूद है। राम राम जी। हाँ राम। टिकट भी डिक्लेयर होगी जी, अगर सुधर चुनाव में आता दोबारा से फिर टिकट मिलेगी? कहाँ देखते हैं अपनी पार्टी को आप? हम अपनी पार्टी हमारी जीत की तरफ जीतेंगे और हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया उम्मीदवार है, ईमानदार उम्मीदवार, वो उम्मीदवार है जिसने इस देश का नाम रोशन किया है, इस प्रदेश का नाम रोशन किया है, इस हल्के का नाम रोशन किया है, और हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे और हमें चुनाव। चर्चाओं का बाजार गर्म है और कई लोग कह रहे हैं कि ये पहले से ही सरकार का ये फिक्सिंग था ये चुनाव, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया हिंदर राजवाल, उसको लेकर हजार के बीजेपी की हिचाल है, उनकी उंगलियों पे जो कांग्रेस पार्टी है उनके सारों को उतारा गया है। ये जवाब तो वो अच्छी तरह दे सकते हैं जिन्होंने कैंडिडेट बनाया है जी, ये जवाब हम तो नहीं दे सकते। नहीं, पहले से को फिक्सिंग वगैरह ना हमारी ओर तो थी नहीं, अगर उन्होंने पता हुआ क्यों उतारा है, क्यों कर रहा है। बिल्कुल, जो IMT जैसे जो प्रोजेक्ट दिए हैं, चार जो जनता जो कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, क्या लगता है इनका कुछ असर पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पर कहाँ तक काम शुरू हुआ है? इनका भी काम भी ये सारे पूरे होंगे और इनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा आने वाले। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ढकोसले हैं सिर्फ, उनके तो बेचारे कहते हैं वो अपना काम बता दें, हमारे ढकोसले मान लें, वो अपना एक तो बताओ। अब ये नेशनल हाईवे की माटी पटला रे काम शुरू हो गया, अरे नेशनल हाईवे के गुहाना से जींदाला बन के कम्प्लीट हो गया, ये ढकोसला है क्या? उन्हें ये पूछ ले, बताओ थारा के है ना, ये तो कर लिया बता फिर। बाकी कई कह हैं जी कार्यकर्ता, उन्होंने भी कह रहे हैं जी गठबंधन से तो चुनाव प्रत्याशी मैदान में यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे साथ में? वो सब दिखाई देंगे, दो दिन रुक जाओ। कब दिखाई देंगे सर? अब भी दिखाई दें, अभी भी जो है बांगड़ा रोड, दो ही दिन दिखाई दिए, दो दिन वो रोज देंगे दिखाई। अभी तो हम भी विड्राल है कल, उसके बाद चुनाव शुरू होगा, आप देखना साथ रहेंगे। चलिए, क्या संदेश आप देंगे बड़ौदा की जनता? ये देंगे, इस बार बड़ौदा की जनता किसी भकाई में ना आके और बड़ौदा हल्के के लिए वोटिंग करेगी और हमें चुनाव जीते। चलो धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सांसद, काम भी बीजेपी के ग्राउंड पर होने लग रहे हैं। चलो, क्या नाम है जी आपका? मैं पुराना जिलाध्यक्ष रहा हूँ, डॉक्टर धर्मवीर नाम। धर्मवीर नाम जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। लेकिन चर्चाएं का बाजार गर्म है, कई लोग कह रहे हैं जेजेपी वाले नीचे सपोर्ट करेंगे बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी को ही करेंगे, बीजेपी को ही करेंगे। चलो ठीक है जी। तो भाई तमाम वो जानकारियां बीजेपी के दिग्गज नेता सांसद रमेश कौशिक, जो लगातार दो बार यहां से दूसरी बार भी सांसद बने हैं और स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा उपचुनाव के अंदर। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जवाब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।